ठीक है, राजनीति अपनी और अपनी जगह पर है, स्वाभाविक है। आने वाला वर्ष निवडणूक का, इलेक्शन का या चुनाव का वर्ष है। इस बार अगर ट्रेन छूट गई तो हमारे देश से प्रजातंत्र गायब हो जाएगा, और प्रजातंत्र को कायम बचाने के लिए मैं सिर्फ विपक्ष, ये शब्द जो है वो थोड़ा सा गोलमाल शब्द है। विपक्ष मतलब किसका विपक्ष, किसका विरोधी? हम तो सारे देश प्रेमी हैं, और देश से जो प्रजातंत्र हटाना चाहते हैं वो प्रजातंत्र के लिए और देश के लिए, मैं मानता हूं आज से उनको विपक्ष या विरोधी बोलना चाहिए। लोकतंत्र विरोधी, लोकतंत्र विरोधी लोगों का मुकाबला करने के लिए और देश को बचाने के लिए हम एक साथ आए हैं, संविधान को बचाने के लिए आए हैं। और जैसे अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में सर्वोच्च न्यायालय ने दो निकाल दिए हैं, एक तो शिवसेना के बारे में है और दूसरा दिल्ली के बारे में, दिल्ली के विषय में। उन्होंने अब हमें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है, तो जैसा उन्होंने कहा मैं भी उन्हें कहना चाहता हूं कि हम भी रिश्ता निभाने वालों में हैं। आपके साथ रिश्ता बनाया है तो पूरी जिंदगी आपके साथ रिश्ता निभाएंगे, दोस्ती का रिश्ता। थैंक यू सो मच फॉर रिसीविंग अस सो वार्मली। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी अपने अधिकारों के लिए। जैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार बनी 2015 में, हमारी सरकार बनते ही मोदी सरकार ने हमारी सारी शक्तियां छीन ली एक छोटा सा नोटिफिकेशन पारित करके। फरवरी 2015 में सरकार बनी और मई के अंदर 3 महीने में नोटिफिकेशन जारी करके हमारी सारी शक्तियां छीन ली। 8 साल दिल्ली के लोगों ने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 8 साल लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। जिस दिन फैसला आया 8 साल की लड़ाई के बाद, उसके 8 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके वो सारी शक्तियां वापस छीन ली। तो जनतंत्र के अंदर जनता की चलनी चाहिए कि गवर्नर की चलनी चाहिए, जनता की चलनी चाहिए कि केंद्र की चलनी चाहिए? जनतंत्र में तो चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए ताकि जनता के, जो जनता मांगे वो काम कर सके, जनता के प्रति जवाब दे, तो चुनी हुई सरकार होती है। लेकिन उन्होंने सारी शक्तियां छीन ली। इसका मतलब ये साफ साफ ये लोग ये बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। पिछले जिस तरह का इनका रवैया इन लोगों का, हमने पिछले कुछ महीनों में ये भी देखा कैसे इन लोगों ने, इनके मंत्रियों ने, इनके नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजों को किस तरह से ये लोग गाली देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। जिस तरह से इनके लोग जजों के खिलाफ और जुडिशरी के खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं, इनके लोग जजेस को, रिटायर्ड जजेस को एंटी नेशनल बोलते हैं, तो इनका जुडिशरी पे इनका कोई वो नहीं है। अब इन्होंने एक मैसेज दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी फैसला दे हम नहीं मानते, हम ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलट देंगे। ऐसे हमारा देश कैसे चलेगा? ऐसे तो हमारा देश नहीं चल सकता।